हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आगे मैं कौन वीडियो के साथ वापिस। तो आज के इस वीडियो में हम खेलने जा रहे थे 3v4, वो भी भाई ग्रैंड मास्टर की लॉबी में। अब भाई आज के इस वीडियो में हमारे साथ खेलने वाले थे DCM और रियोपी भाई। अब भाई आपको पता ही है ये दोनों बंदे भाई सोलो खेलते हैं मेरी तरह, तो भाई हम तीनों सोलो खेलेंगे। मतलब लगभग ऐसे ही सीन कुछ होगा, हम अलग अलग उतरने की ट्राई करेंगे, उसके बाद पेलने की ट्राई करेंगे पूरी लॉबी को। तो भाई आज के इस वीडियो में बस हम यही करने वाले हैं। मैंने भाई पुशिंग छोड़ दी है क्योंकि गेम चल ही नहीं रही भाई, हद से ज़्यादा लैग कर रही है, या फिर इंटरनेट से लॉगिन ही नहीं कर पा रहा। अगर लॉगिन हो रही है तो भाई मैं आपको बताता हूँ सीन, अभी गेम में चलते हैं फिर दिखाता हूँ आपको क्या होने वाला है। छोड़ो इन सब बातों को। अब भाई आज हमारी गेम चली थी तो मैं भाई रियोपी और DCM भाई के साथ खेलने लगा, तो हमने भाई मैच रिकॉर्ड किए और 2-3 मैच में भाई हमारा बुया निकल गया। पहले मैच में भाई पूरा गंदा लैग किया मेरा, मेरी भाई गेम से ही मेरे को बाहर फेंक दिया। तो भाई फिर मैं रिकनेक्टिंग किया, जब तक मैं पहुंचा तब तक भाई हमारे में से DCM कभी रियोपी भाई मर रहे थे, कुछ ऐसा सीन चल रहा था। क्योंकि भाई 3v4 मुश्किल हो रहा था, ग्रैंड मास्टर की लॉबी आ रही थी, सीन कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो आप खुद बस देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमने ये तीसरा मैच खेला, पहला मैच भी बुया था हमारा, लेकिन उसमें भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं सच बोलूंगा आपको भाई, ये हमारा तीसरा मैच है। दूसरे मैच में मेरे से बुया नहीं हो पाया, उसमें मैं 2 बार मर गया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। उसमें भी शायद बुया ही था या फिर टॉप 2 मरे थे हम। तो हमने तीसरा मैच खेला, तीसरे मैच में मैंने सीन कुछ ऐसा किया, मैं उतरा ब्लू जोन और उनको बोला कि भाई आप जहां पर जी उतर जाओ, उसके बाद मैंने कर लिया म्यूट। भाई हद से ज्यादा, मतलब अगर 48 बंदे ना लॉबी में, देखो भाई कम से कम 20 से 25 बंदे तो जहीं गिर गए भाई। आधी लॉबी उतरी थी भाई ब्लू जोन में, आधी लॉबी। आप ऊपर स्कैन वॉच देखो एक बार जस्ट। अब भाई मेरे को यहाँ पे उतरते ही MP40 मिल गई और मेरे वाले घर में एक बंदा आया, मैंने एक रिलोड इस पे लगाया लेकिन ये मरा नहीं। और ये मेरे को फीस्ट से मारना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने रिलोड करके भाई जल्दबाजी में इसको खत्म कर दिया। और फोन भाई हद से ज्यादा हैंग हो रहा, आप खुद थोड़ा थोड़ा नोटिस करो। देखो भाई ग्लू वाल भी एकदम हैंग होके लगी और ऊपर से भाई इसको फिनिश भी एकदम हैंग होके किया मैंने, मतलब इसके हाथ में देखो फिर से हैंग हुआ भाई। M4A1Z मिल गई थी इसको, ये मेरे को खत्म कर ही देता यहाँ पे लगभग, लेकिन मेरी MP40 टाइम पे रिलोड होके इसको लग गई और इसको मैंने कर दिया खत्म। और मेरे को एक सामने बंदा दिखा जिसको भाई मैंने लिटाते ही खत्म कर डाला ताकि उसको रिवाइव ना मिल जाए ग्लू वाल लगा के। और इसके बाद भाई मैं आगे और बंदे देखना शुरू कर दिया भी भाई बंदे है तो है कहाँ, लेकिन तभी मेरे हेडफोन में भाई एक बंदे के पैरों की आवाज़ आई, लेकिन कहाँ है मेरे को ये समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे मेरे को उसकी थोड़ी सी परछाई दिखी तो मैं भाई रेडी हो गया इसको खत्म करने के लिए। ये भाई नीचे नीचे से जा रहा था, इसको लग रहा था कि ये बच जाएगा, लेकिन मेरे हत्ते चढ़ गया बेचारा। अब इसको खत्म करके भाई इसको लूटना था क्योंकि मेरे पास ARMO नहीं थी और भाई बाकी मेरे पास MP40 की भी गोलियां बहुत कम थी। अगर शॉर्ट रेंज में बंदा आएगा तब मैं मर सकता हूँ, लॉन्ग रेंज में तो मैं कि भाई किस पे स्प्रे कर ही नहीं सकता। और मेरे पास वेस्ट नहीं है, मेरे को वेस्ट भी चाहिए ही चाहिए था क्योंकि भाई अगर एक आध गोली किसी बंदे ने मार दी तो भाई मेरी कहानी भाई पे खत्म। अब मेरे को वेस्ट तो मिला लेकिन भाई डैमेज वो भी लेवल 2 का, अब क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद भाई मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखा भाई रिमना ब्लेज की साइड एंट्री कर रहा था अभी जस्ट, वो मैंने सोचा कि वो पहले बैठ जाए उसके बाद इसको खत्म करेंगे। और इसके पास वेस्ट नहीं था तो भाई 40-40 के थोड़े से लगे ये खत्म। और जहाँ पे एक बंदा मेरे पे फायर किया और मेरी हेल्थ भी फुल नहीं थी, दूसरे नंबर पे मेरे पास वेस्ट था जो वो एक गोली से टूट गया तो मैं यहाँ पे भाई नॉक हो गया। VSS से हुआ गाइस, अगर VSS ना होती तो भाई मेरे को शायद ही नॉक कर पाता वो। और जहाँ पे मेरी कहानी हो गई खत्म यहीं पे 2 या 3 किल के साथ, मतलब 3 किल मेरे टोटल हो गए थे और एक बंदा सामने पड़ा था, मैं सोच रहा था कि वो भी फिनिश हो जाए लेकिन ऐसा सीन हुआ नहीं था। जब भाई मैं रिवाइव होऊंगा तब वो फिनिश हो जाएगा, तब मेरे टोटल 4 किल हो जाएंगे। अब मेरे को थोड़ी देर में भाई DCM भाई हमारे रिवाइव कर देंगे और उसके बाद रियोपी भाई चला सीधा रश करने उस साइड को। अब भाई पता सीन कुछ ऐसा था कि हम सब रश कर रहे थे इधर उधर से घूम घूम के क्योंकि हमें किसी का डर नहीं था, हम भाई पेलने में लगे हुए थे सब बंदों को। मेरे भाई मैंने माइक ऑन किया तो मैंने बोला कि रियोपी चल चल मैं आ रहा हूँ वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। तो भाई मैं सीधा निकला उसी साइड को, रस्ते में आ रही थी बैटल ब्लिंप तो भाई बस उसको पकड़ के भाई उसको लूट के मैं सीधा पहुंचूंगा वहीं पे। वहीं पे पहुंचने के बाद बस भाई जो बंदे वहां पे हैं उसको उड़ाएंगे। और एक तो नंबर 1 भाई BSS वाले को टपकाना ही टपकाना था, मेरे पास भाई लूट नहीं थी बस वही दिक्कत थी। और मेरे सामने गिर गई ब्लिंप तो भाई इसको उठाओ और सीधा पहुंच जाओ वहीं पे। और मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है बॉ भाई हद से ज़्यादा, आपका भी कर रहा है कि नहीं मेरे को बताना, मतलब गेम ही हैंग कर रही है या नहीं वो मेरे को बताना भाई कमेंट बॉक्स में। और भाई जहाँ पे अभी बेचारा रियोपी लड़ रहा था उनसे भाई 2 तो उसने मार दिए इस टाइम पे, लेकिन उनका एक बंदा भाई रियोपी को जाके नॉक कर देगा क्योंकि वहाँ पे 2 टोटल, एक तो BSS वाला दूर से मार रहा था, एक बंदा इसको रश करके भाई नॉक कर डालेगा, लेकिन तभी मेरी एंट्री हो जाती है वहाँ पे।
अब भाई फोन मेरा इतना हैंग हो रहा था, मैं बस क्या बोलूँ, मेरे मन में इतनी गालियाँ भर रही थी कि भाई मैं इनको ग्रेना वालों को दूँ गाली भाई। समझ में नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्यों हैंग हो रहा था भाई। मेरे पास 8 GB रैम का फ़ोन है लेकिन फिर भी हैंग हो, तो भाई शर्म की बात है, क्या कर सकते हैं। अब एक बंदे को मैंने नॉक किया, दूसरा भाई गाड़ी वाला मेरे ऊपर गाड़ी ना चढ़ा दे इसलिए पहले मैंने उसकी वेट की, उसके बाद मैंने कर दिया रियोपी को रिवाइव। अब भाई इसके फिर से पड़ेगी, ये फिर से नॉक हो जाएगा, मेरे को ये नहीं पता चला इसके दोबारा पड़ी तो पड़ी कहाँ से। मतलब मैं भी भाई यहाँ पे कन्फ्यूज हो गया कि भाई ये नॉक हुआ तो हुआ कहाँ से, और मैं कवर भाई किस साइड को लूँ भाई। जहाँ पे मैं बहुत तगड़ा कन्फ्यूज हुआ था, लेकिन मेरे को तभी भाई वो थोड़ा सा दिख गया कि वो रहा VSS वाला। इसको मेरे भाई मारने का फुल मन हो रहा था लेकिन इसके गोली नहीं लगी, और मेरे जब इसने VSS मारी तो मैंने कवर लिया, सबसे पहले रियोपी को रिवाइव किया, उसके बाद मैं लग गया दोबारा इसको मारने के लिए। लेकिन तभी भाई रियोपी हमारा फिर से नॉक हो गया, क्योंकि भाई उसकी BSS भाई तगड़ी चला रहा था वो, थोड़ा सा पता नहीं कौन सा ऐसे कोई करैक्टर लेके खेल रहा था। एक तो BSS हो सकती है, ऊपर से डबल डैमेज वाली BSS हो सकती है, तीसरे नंबर पे भाई मेरे हिसाब से उसके पास मारो था, इसलिए भाई मेरे को इतनी जल्दी मार पा रहा था या फिर रियोपी को। लेकिन भाई मैंने उसके एक मतलब K98 का शॉट लगाया, बंदा वहीं पर ढेर हो गया। उसको ख़त्म करने के बाद भाई मैं निकल रहा था आगे को जोन के लिए, लेकिन तभी भाई क्लॉक टावर पे एक बंदा रिवाइव कर रहा था, और इसके मैंने भाई मतलब गाड़ी की टक्कर से पहले इसको नॉक कर दिया, और मेरे पास भाई डबल बैरल की गोली नहीं थी इसलिए रियोपी जा हमारा किल चुरा के ले गया। और एक बंदा तो हमारे को भाई किल मिल गया, लेकिन दूसरे बंदे का किल भाई रियोपी ले गया था। लेकिन इसको फिनिश करते ही मैंने इसको लूटा थोड़ा सा, मेरे को शॉटगन की एमओ मिल गई, उसके बाद मैं निकल लिया आगे की साइड को। लेकिन शॉटगन की एमओ भाई मेरे पास कहीं पे भी इतने भाई इतनी दूर आ चुका था, लेकिन मेरे को शॉटगन की एमओ अभी तक नहीं मिली। और जहाँ पे मैं जा रहा था रियोपी को रिपेयर करने, वो रस्ते में भाई मर गया था, लेकिन रस्ते में मेरे को एक बंदा मिला, इसको भी टपका डाला। इसको ख़त्म करने के बाद भाई मैं सीधा बढ़ूंगा वहीं को, और वहाँ पे भाई मेरे को एक UAV में और भी बंदे दिख रहे थे, लेकिन तभी भाई DCM ने रिवाइव कर दिया, और मैंने देखा कि भाई अभी रिवाइव करने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदे भाई मेरे को UAV में दिख रहे थे तो मैं उनकी साइड रश कर दिया। अब भाई मैं इस साइड जा ही रहा था तभी मेरे को एक बंदा दिखा जो भाई पैरासूट से उतर रहा था। एक तो ये रहा, एक लेफ्ट साइड का रहा, और दूसरे नंबर पर भाई एक बंदे ने अभी अभी जस्ट एयर ड्रॉप लूटा था। तो बस मेरे को भाई यहाँ पे फ्री में बहुत ज़्यादा किल मिल गया। सबसे पहले एक नॉक किया, उसके बाद जो दूसरा भाग रहा था उसके एक शॉट लगाया। अगर मेरी भाई K98 पहले रिलोड हो रखी होती तो मैं इसको भी ख़त्म कर देता। एक तो ये मेरे को किला आया, रियोपी ने भाई ट्रक चढ़ा दिया इस पर, उसको ट्रक चढ़ाने के बाद इसको लूट लिया भाई। और एक बंदा जो भाग रहा था वो भाई जहाँ पे आके ग्लू वाला लगा लेगा। मेरे को ये लग रहा था कि रियोपी मेरा किल चुरा लेगा, लेकिन रियोपी ने मेरा काम आसान कर दिया। मैं सीधा निकलने वाला था लेकिन इसने बता दिया कि जहाँ पे एक बंदा है, जिसको भाई मैंने इजिली टेप डाला। चलो गाइस, इसको नॉक करते ही भाई मैं आगे निकल लिया, और मेरे पास शॉटगन की एमओ सिर्फ 5 ही थी। अगर शॉर्ट रेंज में फाइट होती है तो भाई मेरी शॉटगन की 5 MO सिर्फ एक बंदे पे ही लग जाएंगी। लेकिन मैं अभी सोच ये रहा था कि मैं जाके वहाँ पे शॉटगन की एमओ बाय कर लूँ, और मेरे पास 400 टोकन थे, तो भाई यहाँ पे और भी बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि भाई रियोपी भाई हमारे मर चुके थे। मेरे पास 400 टोकन थे तो सिर्फ उनसे हमारे रियोपी भाई सिर्फ रिवाइव होंगे, और मेरे यहाँ पे 9 किल तो ऑलरेडी हो चुके थे। लेकिन भाई अभी शॉटगन की एमओ मेरे को सोच रहा था मैं करूं तो करूं क्या, DCM भाई को माइक ऑन करके बोलूं कि भाई आप रिवाइव कर दो, मेरे के पास शॉटगन एमओ नहीं है। लेकिन भाई अभी कर तो कर क्या सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको रिवाइव करने जा रहा हूं। लेकिन हमारे से पहले DCM भाई सच में तेज थे, उन्होंने पहले रिवाइव कर दिया, और मेरी किस्मत चमक गई तो मैंने जल्दी से जाके भाई शॉटगन की एमओ बाय कर ली। मैंने 400 के 400 टोकन भाई हमारी एमओ बाय करने और एक बेस्टर पेयर किट बाय करने पे ही लगा दिए। ऊपर से भाई रियोपी भाई को मैंने मेडकिट गिराई यहाँ पे, और बाकी भाई मैंने टावर में गया, टावर में जाके मैंने लेवल 3 का वेस्ट मार्क कर दिया। उसके बाद भाई जो बाकी बंदे बच रहे हैं उनके लिए मैं निकल लिया कि मैं और किल करता हूं, ताकि भाई मज़ा आए, थोड़ा सा पता चले यार भाई गेम में कोई आया है इतने दिनों के बाद। और हमारा इंटरनेट तो कदी चल नहीं रहा था, ये भाई अभी पता नहीं कैसे गेम निकल गई, 3 गेम खेली थी, 3 गेमों में से भाई मेरे को ये लास्ट वाली गेम प्ले आया इसमें मेरा इंटरनेट चला था। और एक बंदे के भाई मैंने 140 का शॉट मारा, उसके बाद स्काइलर मार के इसको ख़त्म, और ऊपर से एक भाई बंदा फायर कर रहा था उस पर चढ़ गया रियोपी। मैंने सोचा कि भाई क्यों इसका किल चोरी करना है, बाद में मेरे को बोलेगा कि भाई तुम मेरे किल चोरी करते हो, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, इसको भी कर दिया मैंने फिनिश। मैं सोचा कि भाई अभी 10 किल हो चुके हैं, बहुत है। लेकिन भाई गेस करो मेरे कितने किल होंगे लास्ट में, आप भाई कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो अभी जाके। पहले भाई वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, और भाई बोलो कि आप इतने किल करोगे। अब जहाँ पे भाई ये ग्लू वॉल लगी हुई थी, मेरे को लगा ये इसके पीछे बंदा होगा, तो मैंने एक नेड किया, लेकिन वो बेचारा खिड़की कूद के बाहर चला गया था ऑलरेडी, यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। और मैं यही वेट कर रहा था कि भाई उसके डैमेज आएगी तो मैं इसको स्काइलर मार के ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वहाँ पे बंदा है ही नहीं था। यहाँ पे एक बंदा मिला, इसको भाई मैंने K98 से धर लिया, जो भाई मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। इसको लग रहा था कि ऊपर से कोई बंदा मार रहा है, लेकिन राइट साइड से भी मार रहा है यार, थोड़ा सा ध्यान दिया करो यार, ऐसे थोड़ी करते हैं भाई। एक ग्लू वॉल इधर लगा लेता तो भाई ये बच जाता,
लेकिन इसके पास भाई ग्लू वाल भी, ये नहीं बोल सकते कि ग्लू वाल कम थी, ग्लू वाल भी बहुत थी लेकिन लगा ही नहीं यार इस बंदे ने, क्या कर सकते हैं अभी साथ में कहाँ लेके जाएगा, माइनस लग गए ना क्या कर सकते हैं भाई। अब मेरे को ये पता था कि भाई जहाँ पे तो रियोपी और डीसीएम और मैं हूँ, ठीक है, जहाँ पे जितने बंदे थे वो हमने क्लियर कर दिए। अब भाई बचती है दूसरी वेंडिंग मशीन, वहाँ पे भाई बंदे रिवाइव करने जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे को अंदाज़ा सही लग गया, एक बंदा मेरे को यहाँ पे मिल गया जिसको कार 98 से धर लिया मैंने, और उसके बाद मैंने भाई M1887 से इसको ख़त्म करने की ट्राई की और मैंने ख़त्म भी कर दिया, और जैसा मैंने सोचा था भाई बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, सामने एक बंदा रिवाइव करने आया वेंडिंग मशीन पे, तो मैंने जल्दी से अपनी बेस्ट रिपेयर की, उसके बाद मैंने हेल्थ फुल की और उस बंदे को भी उड़ा डाला। इसको नॉक करने के बाद भी मेरे पास बच रही थी भाई टोटल 7 MO, वो भी कार 98 की, और भाई 31 MO थी मेरे पास शॉटगन की, और वहाँ पे भाई एक बंदा मेरे को और मिला जिसको भाई रियोपी हमारा किल टेप लेगा उसका। अब जहाँ पे भाई मैं उसके स्काइलर मारूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा किल चोरी भाई रियोपी ने एक दो गोली मारी, उसके बाद भाई ये किल लेगा उसका, क्या कर सकते हैं, चलो कोई ना। मैंने भी भाई पहले इसका एक किल चुराया था, शायद नहीं चुराया था भाई, इसी ने मेरा चुराया, क्या कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने के बाद भाई अभी टोटल 4 बंदे और बच रहे थे, मतलब पूरी की पूरी स्क्वाड बच रही थी, पूरा तहलका मच रखा था ऑलरेडी, ठीक है। और भाई मेरे हो चुके थे ऑलरेडी 13 किल भाई। अब जहाँ पे एक पीछे से बंदा आया, मैं इसके सोच रहा था कि भाई एक स्नाइपर का शॉट मारूंगा उसके बाद सीधा कर दूंगा रश, लेकिन भाई इसने पहले ही ग्लू वॉल लगा ली, उसके बाद मैंने नेड कुक किया और एक नेड फेंक दिया, लेकिन इसके नेड क्यों नहीं लगा मेरे को ये समझ में नहीं आई, बिल्कुल भाई ग्लू वॉल के पास में फटा था लेकिन ये नॉक नहीं हुआ, नो आइडिया क्यों। लेकिन भाई ये जब बाहर निकला तो मैंने एक शॉट मार के, वो भी हेड शॉट मार के डबल बैरल का, इसको ख़त्म कर दिया। अब भाई टोटल एक बंदा बच रहा था, टोटल नहीं मतलब एक सिंगल बंदा बच रहा था, उसको लिटाना था, तो मैंने माइक ऑन किया, डीसीएम भाई को बताया कि भाई अब मेरे 14 किले 15 हो जाएंगे, मजा आ जाएगा भाई, वीडियो एकदम तगड़ी बनी है तो छोड़ दो। तो डीसीएम भाई बोले इधर आओ, आप जल्दी पहुंच जाओ और इसको ख़त्म कर दो। तो भाई थैंक यू डीसीएम भैया तो भाई मैं उधर की साइड को निकल लिया, वो सामने मेरे बंदा था, ठीक है, उसको हम उड़ाने जा रहे थे अभी करंट टाइम पे, ये टीम अप करने की ट्राई कर रहे थे दोनों भाई, रियोपी भाई का तो इंटरनेट चला गया और डीसीएम भाई इनके साथ भाई टीम अप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर रहा था वो बंदा, तो मैं वहाँ पे अपनी डबल बैरल लेके पहुँच गया और इसको सीधा ही कर डाला मैंने ख़त्म। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, रियोपी भाई और डीसीएम भाई को जाके बोलना अगर उनकी वीडियो देखने जा रहे हो, लव फ्रॉम क्रॉसबोन्स गेमिंग गाइस, और आपको इस वाली गेम प्ले में मज़ा आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना, अगर कोई गलती होगी वो वीडियो में वो भी बता देना। और मेरे जहाँ पे इस टाइम पे 16 किल के साथ भूया निकल गया था, एक मैंने स्टार्टिंग में नॉक किया था वो भाई लास्ट में काउंट हुआ था, और मेरे को इस मैच में 52 प्लस मिले थे और जहाँ पे हम 16 किल के साथ भूया लेकर आए थे, ठीक है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, हमने भाई यहाँ पे 3v4 किया था, हम तीनों सोलो के प्लेयर थे, आपको गेम प्ले कैसी लगी ये बताना, और अगर आपको और गेम प्ले चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं इनको कॉल करके एक दो और वीडियो डाल दूंगा, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूँ आज की जे वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।